चल रही है। है। कर जाए इंसान मतलब। आज जो मेरे मेहमान हैं, हैं। उनका ये वो कहते उन्होंने सोचा कि मैं अपने तरीके से चीजें करूंगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी आर्मी खुद क्रिएट कर लूंगा इस इंडस्ट्री में चेंज लाने के लिए इस इंडस्ट्री को एक uh, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू और एक डिफरेंट नरेटिव देने के लिए समटाइम्स आई फील जब मैंने उनके इंटरव्यूज़ सुने और कल कमली देखी जब मैंने कि पाकिस्तान इज़ सो लकी टू हैव हिम अ पर्सन इज़ नॉट जस्ट एन इंस्परेशन इन क्रिएटिव सेंस बट ही इज़ लॉजिकल ही इज़ बिजनेस माइंडेड एंड वट ही सेज मेक्स सेंस टू यू सो टूडे आई हैव द प्रिवलेज ऑफ सिटिंग विद सरमद एंड हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन मुझे इंट्रोडक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है फिर भी मैं बोलूँगी हम सफ़र शहरेजाद रिसेंटली कमली एंड द जूरी विन ऑफ जॉयलैंड ये सब उनकी बहुत लंबी लिस्ट में कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने जिक्र किया है तो आए मिलते हैं और कुछ गुफ्तु करते हैं असल कैसे हैं आप? इतने अच्छे तरीके से बोलती हैं और इतना अच्छा बात करती हैं आप, आप बस इमेजिन करें कि सुख लाल कमीज असल में मैं ब्लश कर रहा करूँ पूरा थैंक यू जो जो भी बोला वो मैंने um, बिल्कुल दिल से बोला आई हर्ड योर इंटरव्यू रिस जिसमें आपने बात की एंड आई आई सो लाइक वाओ दिस इज़ द डायरेक्शन जिसमें हमें जाने की जरूरत है पाकिस्तान को जाने की जरूरत है आपने सब टिकट सब्सिटाइज करने की बात की अगर फिल्म इंडस्ट्री को आपने सपोर्ट करना है तो मे बी दैट इज़ वन नौ सौ रुपए का टिकट और फिर आपने पॉलिसीस की बात की तो ये yes, अगर हम इस मीडियम को इंटरटेनमेंट तो फिल्म और ड्रामा दोनों है अगर हम समझते हैं कि ये एक चेंज मेकर हो सकता है अवाम का शुरू चेंज करने में और इंटरनेशनली आपका इमेज चेंज करने hmm. के लिए दैन मे बी द गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री एज अ होल अब रसाई देखे जब तक नहीं होगी तो वो बात नहीं पहुंचेगी ना और ये आ, मुझे लगता है हम बहुत एक्सट्रीम्स पे पता नहीं क्यों हमेशा चले जाते हैं वो जो म्याना रवि हालांकि बचपन से फायदों में पड़ते आए हैं कि मतलब वो एक ज़िंदगी का बुनियादी असूल होना चाहिए पहले फिल्में हम कहते थे ओह हो छी हम नहीं देखना चाहते ये यौनरा हमारे मतलब का नहीं है ये वैसा होता है वैसा होता है और एक हमने सर्टेन इकोनॉमिक क्लास के साथ वो कर दिया कि जी वो लोग जाते हैं और हम तो नहीं जाते और आप मिडिल क्लास नहीं जाते अब हमने उस एक्सट्रीम पे पहुंचा दिया कि अपर मिडिल और उससे ऊपर वालों के अलावा अफोर्ड करना मुश्किल है किसी के लिए देखो, देखो। और आ, हर सिनेमा ये किसने तय कर लिया कि मॉल के ऊपर ही बनेगा हुँ, हुँ। और किसने तय कर लिया कि वो इतना ही फैंसी होगा और उसका खर्चा इतना होगा कि टिकट आपको नौ नौ सौ रुपये का ख़रीदना पड़ेगा

तो यस समथिंग टू रियली थिंक अबाउट आई आई गेस गेस या या और हमें मेरा ख्याल है अभी मैं बात कर रहा था किसी से तो वही कि मैंने कहा शायद हम हमेशा समझते हैं कि मसला एक्सटर्नल है मसला इंटरनल भी होता है हम भी तो चौड़ हो गए हैं ना मुझे लगता है हम भी वो क्या कहते हैं हमारी आते भी ख़राब हो गई हैं हमें भी बहुत अच्छा वाला ए चाहिए कुर्सी भी प्लश वो वाली चाहिए और पॉपकॉर्न भी अच्छे फैंसी डब्बे में चाहिए हम भी मतलब समोसा और वो पुरानी चाय वाले सिनेमा में नहीं जाना चाहते तो हम वही होता है मुझे लगता है मसला हमें भी है मतलब मैं कितनी दफ़ा सोचूँ कहूँगा कि अगर मैं सिनेमा जा रहा हूँ तो मैं कहूँगा नहीं बेहतरीन वाले में जा रहा हूँ so we need to perhaps like you know yeah. uh, मुझे लगता है जो यूथ है ना वो उस पर हम ये कर सकते हैं शायद हम लोग जो फैमिलीज हैं उस पर लेकिन जो बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं ना वो शायद इस तरह के आपके वालों की कपड़ी पर वो बोले यार समोसे के साथ हमें ये वाला हाँ, देखा क्राउड का भी मजा लेंगे क्योंकि वो उस जोन में होते हैं ना तो वो हो सकता है और फिर अब पिछले दिनों में पता नहीं क्यों बार बार ये मैं बात रिपीट ही कर रहा हूँ लेकिन आई थिंक इसमें मैं बहुत इंसिस्ट करना चाहता हूँ कि फिल्म और सिनेमा ये एक एक्सपीरियंस का नाम है yes. वो जो पर्दे पे चल रहा है yeah. वो तो है ही वो साथ जो सांस ले रहा है जो हंस रहा है जो आपके पीछे बैठ के अपने कोई बात खुसर फुसर yeah. कर रहा है जो ताली आप मिलके बजा रहे हैं जो रो रहे हैं आप मिलके, दैट इज़ लाइक इट्स लाइक वाचिंग अ मैच राइट वो स्टेडियम की जो फील है तो वो घर में अपने काउच पे बैठ के शोर वो एक लग्जरी है बट uh, और वो मुझे लगता है एक बुनियादी फ़र्क है वो जो हम पूछते हैं हमेशा कि टेलीविजन क्या होता है और फिल्म क्या होता है तो so, टेलीविजन और फिल्म का ये भी बुनियादी फर्क है कि फिल्म को देखने की तहजीब फर्क है बिल्कुल और उसका इंजॉयमेंट का लेवल भी level है बिल्कुल। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अक्सर ड्रामों में मैं कहती हूँ कि कभी कभी कोई एक्शन होता है कहती हूँ वो फिल्म मुझे फील नहीं आती कि जब सिनेमा में आप बैठे हो और हीरो विलन को पीट रहा होता है तो आप कहते हैं ये और सारा सिनेमा ताली बजा रहा होता है कभी कभी आपको वो फील वो ये एक एक्सपीरियंस है आपने इतना सही अच्छा सर मैं आपको आपके

इंसान ग्रो करते हैं अच्छे mm. बुरे हर तरह से यू you नो know, कभी कुछ एवोल्यूशन yeah. होती है कुछ डेवोल्यूशन होती है um, तो वो कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं एंड आई थिंक टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट फेलियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अब हमेशा हम और वही होता है कि सक्सेस सबसे ज़्यादा मेमोरेबल चीज़ आपको लगता होनी चाहिए mm. ऐसा नहीं होता फेलियर mm. भी होता है और फेलियर जब आपको हुआ था आप में नहीं वो होती उस वक्त इतनी कैपेसिटी mm. या इतना मेगनानिमस तो मैं नहीं mm. you, कुछ यू फेल एट थिंग बट आई हैव बिन सक्सेसफुल बट आई ऑल्सो फेल्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स बट फिर मैंने ये ओवर द यर्स डिसाइड किया कि अच्छा इन दोनों चीज़ों के तराजु हैं क्या यू mm नो -hmm. you know, क्या हम सफ़र का हिट होना ही सिर्फ मेरी सक्सेस है mm -hmm. या एक कोई चीज़ जो हिट नहीं होती लेकिन उसके प्रोसेस ने अगर मुझे कुछ दिया है तो क्या वो मेरे लिए सिर्फ इसलिए फेलियर होगा कि वो चला नहीं या उसकी mm -hmm. रेटिंग नहीं आए सो आई थिंक इट टेक्स अ वाइल एंड आखिरी मेरा ख़्याल है वो जो बड़ा वो झटका था ना वो ज़िंदगी तमाशा वाला और, और उसके बाद वो जो पूरी दुनिया में तो हम सभी पे वो जो टाइम आया वो जो कुछ सोचने और बैठने का और अपने साथ टाइम स्पेंड करने का वो जो मौका मिला आई so, थिंक उसमें हाँ कोई ऐसे कुछ ठंड सी पड़ गए एंड आल्सो कि वही प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है हम इंस्टिंगटिवली रिएक्ट करना चाहते हैं चीज़ों पे और इंसानी एक है भी नेचर भी बट इवेंचुअली um, आप किसी भी वाक़े से किसी भी सानहे से क्या चीज़ अपने उस रखते हैं उसको प्रोसेस का टाइम देना चाहिए मतलब आपका गु़स्सा आप नहीं ज़्यादा देर रख सकते नाराज़गी भी नहीं रख सकते सो so, जो चीज़ आपको रखनी है उसमें से वो फेलियर भी हो लेकिन हंसी खुशी हो जब मोर महल नहीं चला बिल्कुल नहीं चला वो शुरू में तो आई वॉज वेरी लाइक मोटिफाइड है इतना ऊपर से वो यू नो द होल कैम्पेन वॉज लाइक द बिगेस्ट बजटेड ड्रामा डर मीशा शफी एंड एंड यू नो ऑल ऑफ दैट इट वर्क आई जसवादानियां लाइक श्योर इट फ्लॉप्ड बट कैन समबडी टेक अवे दैट प्रोसेस जो डेढ़ दो साल हमने उस पर मेहनत की शोर उसका चलना ना चलना इज अदर थिंग सो बट यू नो इट टुक टाइम इट टुक टाइम टू रियलाइज

मैं एक कलेक्टिव फ्रटर्निटी इंडस्ट्री की बात कर रहा था यू नो लाइक द वेरी फ्यू पीपल वैन यू फॉल दैट वुड वैनली वॉन्ट टू हेल्प यू यू नो या एंड बट वेन यू आर सक्सेसफुल देन यू नो एंड यू बट हैंग सेट आई स्टिल फील वेरी प्रिवेज एंड ब्लेस्ड के मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं और कुछ ऐसे खैर खवाह हैं इंडस्ट्री में ही जो करते भी हैं जनरली मुझे वही लगता है अगर खुल के बोलूँ मैं मुझे लगता है कि जैसे अगर कोई चीज़ हिट हो जाती है तो वो चैनल भी ऑन करेगा फिर उसके मार्केटिंग वाले भी ऑन करेंगे फिर उस चैनल का जो न्यूज़ चैनल है वो भी उसको ऑन करेगा मगर तो जब वो नहीं चलता तो फिर सब एक तो गायब हो जाते हैं एंड सम हाउ वो पढ़ती आके डायरेक्टर के ऊपर है यू नो सबको वहम हो जाता है वो स्क्रिप्ट शायद ठीक होगा एक्टर तो ये बाकी ड्रामों में भी अच्छा काम करते हैं हालांकि कोई भी ना सक्सेस ना फेलियर किसी एक बंदे का इस काम में हो ही नहीं सकता इट इज़ अ टीम एफर्ट लाइक यू नो किसी की छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूशन कभी ऐसा नुआंस या डिटेल ऐड कर देती है और कभी वही किसी की छोटी सी कोताही उस पूरी चीज़ को एंड देट कैन बी एनी वन सो आई थिंक आई मस्ट हैव सेड इट आउट ऑफ सम पेनफुल मेमोरी बिकॉज ख़ासतौर तौर पर मोर महल के साथ क्या हुआ था कि मुझे उसको फिर एडिट करना था पैंतालीस किस्तें थीं और मुझे भी याद है आ, मैं आपसे बात कर रहा था अदील अफजल की तो so, अदील को मैंने बल्कि फिर मैंने कहा कि अदील ये तो मुझसे नहीं होता मैंने कहा बिकॉज़ ड्रामा पिट भी गया कोई देख भी नहीं रहा चैनल भी उसको कोई ओन नहीं करता बस 45 किस्तों हाँ। का मतलब आप सोचें अगर मैं एक हफ़्ते में भी एक किस्त एडिट करता हूँ तो पैंतालीस हफ़्ते हैं तो वो जो दस हफ्तों के बाद मैंने कहा मुझे और वो बेसमेंट में था एडिटिंग स्वीट जहाँ पर मैं जाता था तो मैंने कहा मुझे ना लिटरली वो लगता है कि कोई <laughs> कोई चीज़ मर गई है <laughs> और मैंने कहा आई एम जस्ट लेफ्ट विद दैट डेड बॉडी एंड मैंने कहा मुझे पता नहीं समझ ही नहीं आती कि मैं घंटा और फिर वो आपकी वो नेगेटिव एनर्जी उस काम में भी मतलब आई वुड जस्ट क्रेंज अलॉट आई वुड जस्ट फील सैड एंड लोनली के बिकॉज लाइक ऑफ कोर्स ये ना एक्टर है ना डी ओ पी है ना प्रोडक्शन डिजाइनर है ना प्रोड्यूसर है कोई भी नहीं है मौजूद yeah. मैं हूँ मेरा एडिटर है yeah. और हम मिल के कर कई दफ़ा आई थिंक आई फेर दैट वॉज एक्चुअली अ वेरी डार्क बैठे हुए हैं कोई रोशनी नहीं है

कभी लगता है कि मैं सिर्फ इमोशनल उसके लिए या आ, कोई भी मतलब कोई एसा, कोई लार्ज जज्बे का आप अम्रेला नहीं डाल सकते नहीं। और सबकी मजबूरी नहीं बना सकते नहीं, फर्ज नहीं, करार नहीं दे नहीं, सकते मैं हाँ। मैं चीजें हम लोग को ना अब हमें भी जब चीजें नहीं चलती तो आई जस्ट के जो आप के लिए जब आपकी सक्सेस में तो फोन करके इतना शायद बोल दें कि कोई बात नहीं तुमने पहले तो बहुत अच्छा कुछ बनाया था इस दफा गंदा भी बन गया तो कुछ नहीं होता नहीं था यारेडी बुरा होगा उसको और ऐसा ना लगे कि मैं रबिंग कर रही हूँ लेकिन मैं अब अपनी तरफ से

Uh, वो उसकी एक, हमने ना मंटो की बीस किस्तों की वो जो सीरीज़ थी उसकी एक प्रेजेंटेशन बनाई अच्छा हम जिसको देखें सब कहते यार ये तो फिल्म लग रही है ये तो फिल्म लग रही है ये तो सिनेमैटिक लग रहा है क्योंकि वो मंटो साहब की अपनी कहानी फिर उनकी कहानियाँ तो वो ऑलरेडी यू नो उसका एक स्केल लगता था कि पता नहीं।, नहीं लेकिन जब वो फिर मैंने दावा तो कर दिया कि इसकी फिल्म बनाते हैं फिर डेढ़ साल और उसमें सबसे बड़ा अलमिया ये था खैर मतलब उसमें मोर माल वाला मसला नहीं था इट इट वॉज स्टिल नॉट डेड टू मी I just had to look at myself every day, like monitor के ऊपर पूरा दिन और वो होता है ना कि आप एक एक्टर की परफॉर्मेंस एडिट कर रहे होते हैं कभी आप रूथलेस चीजें भी कर देते yes, हैं yes. या आप किसी वक्त थके होते हैं तो आप कहते हैं अच्छे बाद में करेंगे वहां पे तो मैं मैं मतलब एडिटर को ही बोला था मैंने कहा तरीका नहीं है कि एडिट के वक्त में ये मुंह बदल जाए बंदे का हम इसको एडिट करने के बाद मेरा मुंह वापस आ जाए मैंने आई कांट लोकेट माई सेल्फ

तो मुझे याद है सत्रह दिन तो मैं वो डब करता रहा एक बार भी कर तो फिर आवाज में कहानी के पीछे भी आवाज चलने कहा अलहमदल एक सौ इक्कीस मिनट में एक बोल रहा हूँ <laughs> और मेरी आवाज और मेरी शक्ल वो मेरी ना बस तब तौबा तोबा हो गई थी बुक्स बुक्स के साथ मेरा दो तरह का ताल्लुक है एक तो पढ़ने का है बट आई फाइंड दम टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग टू हैव अराउंड यू और मुझे बचपन से याद है हमारे माशा बहुत सारे बहन भाई हैं तो वो एक अलमारी थी जिसमें खाना खाना था एक एक का यू नो तो मैं हमेशा जो अपनी किताबें थी ना मेरे कपड़ों के खाने में भी आई वुटर सो मैं फिर एक ज़माने में मुझे पता नहीं क्यों कुछ एक अजीब सा पैरना गया मैंने कहा क्योंकि मैं बड़ा होकर ग़रीब हो गया तो मैं किताबें नहीं खरीद सकूँगा तो मुझे होर्ड करने का वो हो गया जब मेरे पास पैसे आते थे mm. मैं बहुत सारी सो so, अब मेरे पास एक जख़ीरा है mm. जो कि मैंने पढ़ा नहीं लेकिन वो मैं इतना खुश होता हूँ उनको देख के क्योंकि आई जस्ट फाइन दम वेरीज आई मीन

और हमारे घर के करीब किताबों की दुकान थी उसका नाम था बुक वैली ओके बुक वैली के अंदर वो रेंट करते होते थे बुक्स ये वो ज़माना था सो nice. so, yeah. वो मे से चिड़ता होता था क्योंकि मैं लेके जाता तो एक घंटे बाद में वापस आ जाता ah. था कि दूसरी तरह क्योंकि छोटी छोटी होती थी तो वो हाँ शुरू वहाँ से हुआ mm. बहुत बेतहाशा पढ़ा mm. uh, हर तरह का चीज़ पढ़ने का शौक़ था फिक्शन लेकिन नॉन फिक्शन मुझसे नहीं पढ़ा जाता नॉन फिक्शन तो मतलब मुझसे बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता और फिर वही फ्रॉम देयर टू इन इट ब्लाइट एंड देन आई थिंक देयर वाज अ फेज व्हेन आई वाज ऑब्सेस्ड विद एगाथा क्रिस्टी मतलब के हाँ और मुझे तो याद है पता नहीं क्या एक दफा मैंने कोई बहुत ही भोंडा सा काम भी किया फ्रंटियर पोस्ट आता होता था तो फ्रंटियर पोस्ट में उन्होंने कुछ सेक्शन शुरू किया तो वो स्कूल में उन्होंने पूछा कि कोई लिखना चाहता है स्कूल में कहा तो उन्होंने कहा क्या मैंने कहा क्रिस्टी के नॉवेल्स की समरी लिखना माय ओनली करियर राइटिंग समरीज ऑफ एगर क्रिस्टी नॉवल्स

मंटू साहब से hmm. मुतारफ हाँ. हुए hmm. बहुत बड़े हो गए कम उम्री में हो गया था hmm. और हर तरह का वही नीयत से पढ़ा कि जिस नीयत से नहीं पढ़ना चाहिए शुरू <laughs> शुरू में बट दैट्स दैट्सो द ब्यूटी ऑफ आई थिंक लिटरेचर के वो आपको मुख्तलिफ वक्तों और मकामा पे आपको किस तरह से असर करता दिल्कुं, है लाइक आई रिम्बर मैंने कुछ मंटू साहब की किताब जैसा था छपा हुआ नमरूद की खुदाई और उसमें कुछ और भी थे तो कुछ पढ़ी तो उसमें काफ़ी ग्राफिक्स की कुछ चीज़ें थी तो आठवीं में थे उस वक्त हम mm. काफ़ी खुश हुए पढ़ के mm. फिर उसी में कहीं खोल दो जब मैंने पढ़ी तो उसके बाद तो मतलब मैं ढह गया मैं गिर गया, मैं गया मैंने कहा कि ये तमाचा कहाँ से पड़ा है मेरे मुँह पे एंड दैट इज़ आई थिंक माई अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ बींग सो प्रोफाउंडली अफेक्टेड बाय समथिंग विच इज़ यू नो बिकॉज इट रीडिफाइंड हिस्ट्री फॉर मी इट रीडिफाइंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ

Um, फिर या आई स्टोरीज फैसिनेटेड। आजकल पढ़ रहे हैं कोई बुक? अभी मैंने बड़ी मुश्किल से वो ना टाइम पहले क्या होता था जब आप ट्रैवल करते थे दैट यूज टू बी द बेस्ट वो yeah, कि आप एयरपोर्ट पे या mm. कहीं पे भी आप जहाज में बैठ के पढ़ें तो वो मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस जो है ना आई एम रीडिंग दैट

Um, कोई मुझसे पूछता है कभी तो मैंने कहा तस्वीर तो मुकाबला ही नहीं कर सकती so. तस्वीर तो hmm. वो गल मुका देती है hmm. ना कि ये राजी लफ्ज yeah. तो अब खुला है अब yeah. आप सोचें आप, आप, सोचें, आप, आप, की आप जैसा आप मर्जी सोचें yeah. सो नो uh, so no. अब उतना नहीं पढ़ता जितना पढ़ना चाहिए रिसेंटली uh, मैंने और जिन साहब से मेरा तारुफ बड़ देर में हुआ वो असद मोहम्मद खान साहब उनको नहीं पढ़ा हुआ था उनको पढ़ा और फिर मुझे लगा कि यार यहाँ पे कितना अच्छा लिखने वाले लोग मौजूद हैं और हम नालायक हैं और हम बेवकूफ़ हैं नहीं ऐसे तो नहीं कह सकते <laughs> <laughs> नहीं लेकिन हमें पता नहीं होता ना आई वुड कम्प्लेंट समाइम्स कि अदब मतलब जदीद अदब मुझे लगता है जैसे उर्दू में नहीं लिखा जा रहा या यू you नो know, मैं हमेशा कहता नहीं लिखा जा रहा है वही बात है कि अब ख़ुद तो टपकेगा नहीं आके कहीं जाके ढूंढना पड़ेगा आपने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है मैं आपका काम देख रही हूँ आपकी चीज़ें देख रही हूँ परफॉर्मेंसेज भी एंड क्रिएटिव जितना भी आपका आउटपुट है मुझे बड़ी डेप्थ नज़र आती है Um, और मैं आजकल उस उसको भी मैं देख रही थी और मुझे ये भी लग रहा था सोच के कि मे बी साइकोलॉजी शुड बी वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जो मीडिया में जो लोग आ रहे हैं उनके yeah. लिए मस्ट डू होना चाहिए yeah. आपको लगता है कि जो आपने पढ़ा उसने इम्पैक्ट किया yeah. आपके क्राफ्ट को या नहीं बट साइकोलॉजी का सब्जेक्टी बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन माइंड आप इस इंडस्ट्री में आए तो नहीं मैंने इसका जिक्र करना इसलिए छोड़ दिया फिर अक्सर लोग समझते हैं कि मैं बहुत खतरनाक आदमी हो रहा है मुझे लगता है कि हर वक्त कर रहा होता है फॉर एग्जाम्पल मतलब एक बुनियादी चीज़ कि जब आप एक इंसान की नफसयात का पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल वैसा ही है आप कैसे तख्लीक करते हैं यू नो लाइक हमारे यहाँ कैरेक्टराइजेशन मुझे लगता है कभी कभी लैक इसीलिए कर रही होती है कि हम सिर्फ उस वाक़े की हद तक किरदार से मुतारफ होते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल वन आई डू प्रॉपर एक्सरसाइज इन प्रेप वर्क विद माई एक्टर्स तो फिर हम पूरी जो ऑफ स्क्रिप्ट कहानी है मुझे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है मेरे लिए रीड इट Now, let's meet in three days, but now tell me what yeah. was this character like when this character was eight years old? Okay. What are the traumas? So, uh, but then, oh. you know, basically, so I, I'm just saying it is a, yeah. a kind of psychoanalysis yeah. then. Yeah, cool. And performances maybe, who is that uh, people think, oh, knowing your lines and being very crafty is what it takes. No, I feel that just having the right thought, having the right emotional. Uh, connect yes, yeah. is is what is important mm -hmm. and for that I think the role of a director without the knowledge even is of a थेरापिस्ट ऑफ सॉट्स बिकॉज आपने उस एक्टर को अपने क्रू को उनकी एनर्जीज को अंडरस्टैंड करना है mm -hmm. किसी के आपस में बन नहीं रही है आपने उसको भी रिजॉल्व करना है mm -hmm. आपने किसी को अपने एक उस जो भी मूड है उसमें से एक और मूड में लेकर जाना है सो येस इट कम्स इन हैंडी एल बी ऑनेस्ट बट वही कि बहुत कॉन्शियसली मैं नहीं करता लेकिन आ, एक तो तालीम किसी भी तरह की मुझे लगता है बहुत हेल्प करती है बट यस yes, नफस्यात एक बहुत खूबसूरत मजमून है और आ, मीडिया में आने वालों को पढ़ना चाहिए course, actually, मुझे है। मुझे है, majors, जो मीडिया के सब्जेक्ट्स में, में तो ज, अब जिस तरह मुझे नहीं पता अभी भी उन्होंने कंटिन्यू किया कि नहीं कि जब मैंने एन सी पढ़ाना शुरू किया तो मैंने इंसिस्ट करके मैंने कहा नहीं फ़िल्म के कोर्स के अंदर फिल्म के प्रोग्राम में आपको लिटरेचर का एक सब्जेक्ट रखना ज़रूरी है कहानियाँ पढ़ना जरूरी है विच आर रिटन इन अदर फॉर्म रो मे बी शॉर्ट बी शॉर्ट स्टोरीज और नॉवल और वट एवर सो आई फील येस आई मीन एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अ स्टोरी राइट मतलब साइंस भी एक कहानी से ही शुरू होती है आपको कोई ना कोई वाक़ा होता है और फिर उसमें से सो एनी थिंग दैट कैन पॉलिश योर क्राफ्ट और टेलिंग द स्टोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हमें बस वही लगता है कि नहीं ये शायद टेक्निक बेस्ड काम है आई फील टेक्निक से बहुत पहले आपको और बहुत कुछ मतलब चाहिए, मतलब पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मतलब जो लोग फिल्म का काम करने वाले लोग कहते हैं ना हम पढ़ते नहीं हैं तो ये बात मुझे समझ ही नहीं आती मतलब मुझे समझ नहीं आती हम लाइक एक्टर अगर कहे कि नहीं मैंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी mm -hmm. है मैंने मुझे तो But नहीं बट दे लाइक श्योर देन दे कुट ऑब्जर्वर वेट वाई आर यू मिसिंग आउट ऑन इट वाई आर यू नॉट यू नो लाइक रीडिंग अ कैरेक्टर ऑन पेपर बिकॉज स्क्रिप्ट टेक्निकली स्पीकिंग दे डो नॉट गिव यू अर कैरेक्टर स्केच एवर

लेकिन उसमें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ इंटरेस्टिंग होती थी, थी।, थी।, थी। लेकिन वो अजीब बीच खास पे ना मुझे वो बहुत होता था ना था था कि वो किरदारों के नाम जिस तरह लिखा होता था की ये हकी कहानी है किसी के लिए वो मुझे बड़ा इंट्री करता होता था

बारिश 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 भी बारिश बड़ा like बारिश, I do, I do. है बड़ा आता बट यू लाइक लाइक आई डू डू पंजाब में तो वैसे ही yeah. मतलब बारिश जब आती है तो सब कुछ अच्छा अच्छा जगह जगह के बैग्स हैं, हैं।, हैं। भरे हुए भरे हुए बैग मैंने क्या मतलब मैं सोच तो रहा हूँ कोई मैंने कभी में? फेंका नो 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 मुझे ने? कभी भी कोई अगर कोई हाथ से लिखा हुआ कोई कार्ड के ऊपर कोई चीज अगर किसी ने भेज दिया है ना तो वो लिखा हुआ वो मैं कभी फेंकता कल पता नहीं वो इफ यू नोटिस वो जो खूबसूरत फिल्म का हमारा लोगो है तो उसके जो पीछे इंस्क्रिप्शन है वो मेरी अम्मी के हैंड रिटन नोट है हाँ उसमें मैं कल बड़ी स्क्रीन पे मैंने पहली दफा देखा वैसे ही छह छह दफा तो उसमें मैंने कहा सरमत सरमत लिखा मैंने कहा लोग क्या कहेंगे इसका इतना नाम मैंने बोला एक माय मदर्स नोट दैट शी रोट यू नो तो हैंड रिटन नोट्स तो मेरे पास हाँ दो बड़े बड़े बैग्स हैं बड़े -बड़े. और बहुत पुराने स्कूल के जमाने के दोस्तों तो ने हाँ मजा, कितना मजा आता है ना पढ़ने हाँ, का वो हाँ, आप कितनी हाँ, memories आप कुछ कभी-कभी आप मतलब अजीब से भी हो जाती है ये क्यों मुझे I मिला सब <laughs> memories, था? था? <laughs> -oh, <laughs> Some memories are a little भी <laughs> बोला था किसी ने सब memories are a little embarrassing thinking you open the nice one but no they are go through them बहुत बेतहाशा है बेतहाशा है मेरे पास आपको क्या लगता है मीडिया और क्रिटिक्स का क्या रोल होना चाहिए जो नहीं कर रहे हैं इस वक्त वो लोग इंडस्ट्री में देखिए oh yeah, मुझे तो जो it? भी चीज़ डेमोक्रेटिक नहीं है मुझे उससे इख्तलाफ है मतलब डेमोक्रेटिक yes. होना चाहिए लेकिन आ, अब वही बात आ जाती है कि मेरे लिए तमीज़ तहजीब क्या है ज़रूरी नहीं है कि वो मेरा मैार हर एक hmm. में पूरा आता हो आई डोंट नो जो भी किसी का कोई एक अपना क्या कहना चाहिए उनका मॉरल कोड है या उनका कोई एक, एक एटिकेट उन्होंने सोचा हुआ है उसको फॉलो करें बट आपको जेनविनिटी और किसी काम की ऑनेस्टी नज़र आ जाती है अगर किसी ने अपनी सिर्फ ईगो को प्लीज़ किया है ख़ुद से देन यू नो के है बाकी आई डोंट नो लाइक आई आई लव रिव्यूज़ मतलब मुझे तो आई 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 लव आई मीन दैट्स द ओनली वे टू फाइंड आउट एंड आई दैट इज़ व्हाई आई डू नॉट लाइक टू टॉक अबाउट माय वर्क माई सेल्फ आई वांट टू नो हाउ इट ट्रांसलेटेड टू पीपल एंड बुरे वाले से झटका एकदम ज़रूर लगता है बट देन आई आल्सो आई थिंक लेटर ऑन फाइंड आउट कि अच्छा वजह क्या हो रही थी क्योंकि hmm. मैं खुद अपने काम से uh, ट dis कर लेता हूँ कुछ अरसे बाद बिकॉज okay. मुझे वो बहुत बुरा लगता है कि आप mm -hmm. अपने पुराने काम के ही इश्क में मुबतला रहे हैं, mm -hmm. तो नया नहीं होता फिर उसके बाद सो आई ऑल्सो लाइक आई एम वेरी हार्श क्रिटिक ऑफ माई वर्क ऑफ से जो लोग मेरे करीब हैं उनके काम का भी सो so, बट अब जैसे ये पिछले दिनों की अगर आप उस रेफरेंस में पूछ रही हैं, हैं तो reference नहीं नहीं मुझे I admire the the logic and the thought process mm. you have, mm. and you have it as yeah. a whole when you yeah. look at the industry. Yeah. So from that point of view, no, um, no, I mean ये तो देखें क्योंकि जब हम जब हम आप लोगों पे बात कर रहे हैं, जब हम makers content तो मुझे लगता है कि जो लोग इस side पे, including mm. me also media reviewers, mm. you know mm. feedback, उनको भी फिर हमें भी फीडबैक मिलनी चाहिए कि क्या है और क्या हम कुछ बेहतर कर सकते हैं आपको लगता है कि हमारा काम बहुत वैलिडेट होता है इससे और हमारे काम की इम्पोटेंस का कम से कम हमें एक थपकी महसूस होती है बिकॉज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वही होता था कि कभी अखबार में कुछ छप yeah. गया yeah. या किसी ने फ़ोन कर दिया उसके अलावा तो आपको पता भी नहीं होता था एंड आई थिंक नॉट जस्ट से पीपल हु आर डूंगनाइज वे लाइक योर सेल्फ बट अब तो वही होता है कि आप कोई मैसेज डीएम कर देगा आपको कोई लिख देगा सो इट्स इट्स अ गुड थिंग हाँ वहाँ पे वो जो मैं फिर वही सब कनेक्शन ये बनाना चाहता कि तहजीब और तमीज़ शायद मेरे लिए उसका मैार फ़र्क हो yeah. लेकिन कुछ आई थिंक बुनियादी ऐसे हैं yeah. चीज़ें जिन पर हम श्योर हम कोई भी डिसग्री नहीं करेगा yeah. जब वो लाइन क्रॉस होती है तो तकलीफ यही होती yeah. है कि अच्छा एक तो पर्सनल नहीं हो दूसरा आप अपना एक दायरा है उसके अंदर रह के जो मर्जी बाकी टाइमिंग का जैसे वही अभी आई वॉज रीडिंग के सम ऑफ द यू नो माई फ्रेंड्स एंड कॉलेग्स व से एक रिव्यू करने का एक टाइम होना चाहिए आई डोंट नो आई आई डोंट नो हाउ टू अग्री और डिसअ्री विद दैट आई फील जब आपने कोई चीज़ देख ली है आप भी उसके ऊपर कॉमेंट उसी वक्त करेंगे मन इट्स फ्रेश एंड मे बी यू नो और अगर वो yeah. आपके साथ रह रही है कुछ अर्से mm -hmm. के लिए यू कैन टेक टाइम बट प्रोफेशनली अगर जो लोग रिव्यूज़ लिखते हैं Uh, they know the etiquette के अच्छा नहीं 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 देने ये करना yeah. करना वो फिर आप भी लोगों को बताना चाह रहे होते हैं हैं कि क्या है uh, uh, दो, 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 दोनों yeah. जो बात ज्यादा uh, फलसफियाना नहीं उसको मैं बनाना चाह रहा लेकिन जो सच है और जो नीयत है ना वो छुपती hmm. नहीं है और वो लिखे हुए में भी नहीं छुपती और वो अब तो तस्वीर का ज़माना है वैसे कोई पढ़ना लिखना तो चाहता नहीं है तो एवरी बडी टू सी वीडियो एंड हेयर सम बडी स्पीकिंग आपकी फॉर एग्जांपल आपकी आवाज़ और आपकी तस्वीर से पता चल जाएगा मुझे कि यू नो लाइक इसमें आप एक्टिंग को किसी mm -hmm. की अगर कह रहे हैं कि अच्छा या बुरा है या किसी के लिखे हुए को लाइक वाइज वेन यू रिव्यूइंग समथिंग आई एम श्योर इफ़ देर इज अ जेनुइन क्रिटिसिजम ऑफ एनी काइंड वन कैन टेल वेर इट इज़ कमिंग फ्राम योर ले लें या आप ड्रामा में ले लें ले ले ले, ले ले, यूथ को साथ लेकर हम नहीं चल पा रहे mm. कितना इम्पोर्टेंट है इस चीज को कि हमारे टॉपिक्स अब एड्रेस करें उन इशूज को जो ये नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है वरना क्या हम उन्हीं सर्कल्स में उन्हीं माइंड सेट्स में खेलते रहेंगे या mm -hmm. और यू फील कि एक एवोल्यूशन हो रहा है जो जरा स्लो प्रोसेस है देखिए एक तो आइडिया ऑफ बिकम रियली नाउ राइट

डिफरेंट लाइन ऑफ वर्क आई एम नॉट सुपीरियर मे बी आज से कुछ साल बाद पता चले कि फिल्म कहीं बैकग्राउंड में चली yeah. जाए और सिर्फ यूट्यूब yeah. uh, जो है वो बट फिल्मीट वीज आपको बिल्कुल वक्त के साथ रहना पड़ता है और उस वक्त की ही जबान बोलनी पड़ती है अगर आपको किसी को कुछ समझाना है you know. uh, मुझे लगता है कि यही एक बड़ा ड्रॉबैक है इस वक्त कि हम चंद दिहाइयाँ पीछे चल रहे हैं जब हम कहानियाँ खासतौर तो पर कॉन्टेंट जिसको अगर हम कहें तो वो उनका मिजाज थोड़ा सा बीस पच्चीस साल पीछे चल रहा है मेन स्ट्रीम फिल्म का जैसे जो हमारा कंसेप्शन है वो भी, भी कई अस्सी की दिहाई का बॉलीवुड है तो मुझे लगता है वो क्यों लाइक like, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो बना रहे हैं उसमें टेक्निक अच्छा है उसमें लोगों के परफार्मेंसेज अच्छे हैं बट कहीं सेंसिबिलिटी मुझे लगता है कि हमने और वो आमतौर पे बस वही सोचा जाता है कि फिल्मी ये चीज़ होती है बट मैं कहता हूँ ये फिल्मी था yeah. अब फिल्म को भी इवॉल्व करना चाहिए ड्रामे okay. को भी इवॉल्व करना चाहिए सो आई आई डू फील कि येस देर इज़ मोर नीड फॉर दैट इनकॉप्रेशन ऑफ द वॉइस दैट रेजोनेट बेटर विद द यंगर लॉट इन मेन स्ट्रीम स्टाफ उनके लिए जैसे मुझे लगता है टी वी ड्रामा नहीं बन रहा mm -hmm. बिल्कुल नहीं हम कर देंगे बन को राइट हम उसमें भी बहुत ब्लैक एंड वाइट किस्म के उन्हीं के किरदारों को दिखाते हैं जो वो नहीं है जो वो बिल्कुल नहीं है उनके ऊपर कोई रिसर्च नहीं कर रहा राइट और मे बी उन्हीं को इंक्लूड करके फॉर एग्जाम्पल राइटिंग में मुझे अभी तक खलिश मेरे दिल में यही है कि टीवी की राइटिंग जो है सबसे पहले वो एक राइटर से तो छीने भाई ये तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता okay. ये बहुत से लोगों को मिलकर you, okay okay. सब, सब टाइट भी होंगी अच्छी भी होंगी no, आप दुनिया की मतलब छह किस्तों की भी कोई सीरीज उठा ले, mm. course, उसमें एक पायलट होता है जो उसकी पूरी सेंसिबिलिटी को डिफाइन करता है

इसीलिए देखिए मैं किसी मैं उन में उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनका मतलब कोई सानी नहीं है वो बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन जाहिर बात है वो थकते भी हैं इसीलिए वो रिसाइकिल भी कर लेते हैं अपनी चीज़ों yeah. को इसीलिए कभी आपने अगर मतलब बहुत से तरीके हैं राइटर्स रूम के फॉर एग्जाम्पल कभी एक बंदा उसको लीड करता है और फिर वो डिफरेंट किरदार डिफरेंट लोग लिख रहे होते हैं इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो क्रिएटिंग इट सो आई फील वो जैसे बात कर रही थी अच्छा एक ड्रामा अगर बन रहा है कि जी जो कि एक अठारह साल के बच्चे की कहानी है 18 अठारह mm. साल का बच्चा चले आपको राइटर नहीं मिल सकता बट हैव एन अठारह साल का बच्चा देयर एज अ पार्ट ऑफ द राइटर्स रोम ओके ताकि वो अपनी जबान बता yeah. सके mm. ताकि वो आपको अपने असली मतलब ऑन ग्राउंड क्या होता है वो बता सके एज अपोज टू कि अब मैं मतलब उसकी जबान बनना चाहूँ और मैं अपने Sochen सोचें predator, और मैं yeah. वो डाल रहा हूँ सो मे बी वे इज दिस होल मोनार्की अबाउट वन डायरेक्टर वन राइटर टी वी के लिए आई फील देट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ बिकॉज वी वॉन्ट टी वी इन वॉलीम एंड देन वी एक्सपेक्ट वन पर्सन टू डिलीवर एवरी थिंग डायरेक्शन वाइज वन पर्सन टू डिलीवर एवरी थिंग राइटिंग वाइज यू नो देट्स नॉट हाउ इट्स डन टू बी ऑनस्ट इसीलिए मैं टी वी से तो मतलब मुझे खौफ आने लग गया जब मुझे कोई कहता है एक्टिंग या डायरेक्शन का हाइमलाइए चालीस किस्तों वाला है तो मैंने कहा तो वो कहते हैं बड़ी अच्छी कहानी मैंने कहा किस्तें कितनी है कहानी तो सुन मैंने कहा मैंने सुननी नहीं है मुझे किस्तें पहले बताएं मैंने कहा मैं वो ब्रीफ सूटकेस घसीटता हुआ लेकर आया मो, मोर महल जब मैं शूट कर रहा था लिटरली आई यूड ट्रॉली बैग बिकॉज एक मुझे वो डिजिटल से पढ़ने में दिक्कत होती है लाइक like, स्क्रिप्ट नहीं मैं पढ़ सकता एंड 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 आई डू अ ऑफ यू नो तो वह वो किसी दिन सातवीं किसका सीन है किसी दिन चौंतीसवीं yes. किसका सीन है तो so, वो पूरा एक जो है ना ब्रीफ वो सूटकेस मेरे साथ आता था नहीं, मैं किस तरह गारंटी कर सकता हूँ कि मुझे पता है कि आगे पीछे क्या हुआ है सो लाइक वाइज आप दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी सीरीज उठा लें छोटी से छोटी भी mm. उसमें एक डायरेक्टर भी नहीं होता पायलट एंड हाँ लेकिन मेरा इतना गीला बन चुका है ना और खासतौर पे दोस्त हैं मेरे बहुत से सारे सेठ <laughs> तो मैं अपने सेठ दोस्तों को भी कहना चाहता हूँ कि इफ यू रियली वांट टू कंट्रीब्यूट टू ड्रामा देन नो डोंट डोंट गो फॉर शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स मतलब जैसे उसी उसी बात इसी बात से आपकी निकलता है जैसे मेरा अगला सवाल ये है कि आप बिलीव करते हैं मुझे लगता है कि आप आपकी चीजें देख और वो और हाउ डू यू थिंक ये कितना इम्पोर्टेंट है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं अब मैं कंटेंट क्रिएटर्स नहीं बोलूँगी फिल्म प्रोड्यूसर्स ड्रामा मेकर्स <laughs> और किसी भी कोई भी कोई एंटरटेनमेंट की बना रहे हैं <laughs> वो लोग अपनी ऑडियंस को खुद कल्टीवेट करें अगर अगर कल्टिवेट नहीं किया ऑडियंस को तो क्या ये इंडस्ट्री अपनी डेथ पाथ को खुद क्रिएट कर रही है कुछ हद तक तो देखें आप वही क्योंकि क्योंकि कितने अरसे तक एक तो आप जो नई जनरेशन है उसको तो आप लूज कर रहे हैं ना बिल्कुल वो तो जा रही है यूट्यूब और torrent और दूसरी जगहों से वो करके वो नहीं देखेगी पाकिस्तान कितने अर्से तक यही माइंड आपके वही बहू का देखेंगी नो क्या हम अपना खुद क्रिएट कर रहे हैं मुझे लगता है कुछ हद तक तो हमने क्रिएट कर भी लिया है उसको देखिए जो प्रोग्राम और प्री प्रोग्राम टेलीविजन का जो अंदाज है वो तो वैसे ही पूरी दुनिया में रिजेक्ट हो चुका रो बडी वॉन्ट्स टू वॉच इट एट योर प्रिस्क्राइब टाइम सो टेलीविजन चैनल इट सेल्फ आई थिंक इज अ डाइंग आइडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वॉन्ट टू वॉच इट एट देयर ओन कन्वीनियंस दैट इज वाई आप आई uh, फील आपका बेषतर ड्रामा जो है वो यूट्यूब पे देखा जाता है वो आठ से नौ नहीं देखा mm. जाता जब mm. वो टीवी पे चल रहा था ऑफ कोर्स वो एक अगर आप उसके अंदर एक इकोनॉमिक और उस क्लास के एंगल से बात करेंगे वो वो भी जरूरी है कि वहां पे वो चले, उसकी जो बड़ी ग्रोथ है और मैं वही देख रहा होता हूँ कि आपके कितने बड़े बड़े ड्रामे हैं वो सिर्फ अपने यूट्यूब को बोस्ट कर रहे yeah. होते हैं उसके सिस्टम nice. तो गया खुद आप देखें चैनल की चीज की जो मेन अचीवमेंट है दैट इज़ यू व्यूज सो डिजिटल ने वो तो अंदाज देखने का बदल दिया है तो उनको अगर उस ऑडियंस को ग्रैब करना है सो mm. so, और चले मैं मैं सोचता हूँ ये भी एक फिर बिल्कुल एक कॉमर्स का एंगल आ गया mm. अगर यही काम मुझे पूरी जिंदगी के लिए करना है तो देन आई नीड टू ग्रो विद इट एंड इट नीड्स टू ग्रो विद मी आई मीन वाई डू वी वॉन्ट टू बी बोर्ड बाई इट अगर मुझे मेरा काम बोर करना शुरू कर देगा सो so, मैं ये सोचता हूँ कि आप बोर नहीं करता हुँ. <laughs> उनको अपना काम बोर क्यों नहीं करता लाइक yeah. like, yeah. मतलब एक से दूसरा स्क्रिप्ट अगर वैसा ही आप पढ़ रहे हैं सो इवन एज ए प्रोड्यूसर आई वुड बी लाइक श्योर एंड आई वॉन्ट ओके एक एंड वो है कि अच्छा जी एक yeah. सिलसिला चलना है यही ड्रामा देख रहे हैं बट मुझे लगता है वो मफरूज़ा भी कुछ अर्से में क्वेश्चन uh, होना चाहिए कि ये ये देखना चाहते हैं लाइक like, पता नहीं उनको आप दिखा दें कुछ और yeah. चीज़ ट्राई तो करवाएं मे बी और शायद नुकसान भी हो लेकिन अगर आपने एग्जाम्पलुड मतलब बॉलीवुड से ज्यादा फिल्मी कुछ नहीं होता था नाउ इट इज ग्रेट अगेन वो भी बीच बीच में जो भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं to, to audience, जो कि अब 18 से 35 वाली आपकी ऑडियंस है उनके लिए काम कर रहे वो उनकी जबान बोलना शुरू हो गए उनकी टेक्निक पे काम करना शुरू हो गए उनको पता है कि इनकी गानों की पोइट्री से लेके शूटिंग के स्टाइल तक वो उनके अंदाज़ में करने लगे थिंग्स आर पेस्ड डिफरेंटली बिकॉज अब तो स्टोरी स्वाइपिंग वाली स्पीड yeah. में चीज़ें लोग देखते हैं राइट सो वो नहीं रहा सब कुछ सो दैट वीज़ अगर खाली मतलब एक उसको हमने वो बना देना है जैसे अखबार की एक हैसियत रह गई है छपने वाले अखबार की कि अच्छा भाई ये तो छपना ही चल रहा है वो लाखों कापियों से मेरा ख्याल अब हज़ारों पर आ गया सो so, अगर वो वाली सतह पर हमने रखना है तो श्योर दैन दैट अप्रोच इज़ फाइन बट इफ यू इट टू इवॉल्व वी नीड टू मेक इट हैपन हैपन यू नो इट इट विल नॉट ऑन इट्स ओन इज़ है कि अपना रास्ता खुद क्रिएट करें और फेलियर uh, भी हो नहीं भी वो रिजल्ट मिलें तब भी यू कीप गोइंग ऑन एंड mm. क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक हद पे पहुंच जाए तब आप इतने बहादुर हो जाते हैं या पैशन हो तो फिर बहादुरी mm. के साथ ख़ुद ब खुद mm. ये चीज़ें मैनेज हो जाती हैं फिर ऑल दो पीपल जो बैठे हुए हैं यहाँ पर जो सुन रहे हैं आपको और वो चाह रहे हैं कि यार हमें नहीं रैट रेस को ज्वाइन करना mm. Mm. लेकिन डर रहे हैं कि यार मैं ये आइडिया लेके जाऊंगा तो पता mm. नहीं मैं क्या किस तरह मैनेज mm. करूंगा क्या गाइडेंस mm. देंगे आपको क्या बोलना चाहेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक्सक्यूज मी इज स्टेबिलिटीट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट आई डू फील मतलब कि वो जो एक आर्टिस्ट को हम ग्लोरीफाई करते हैं उसकी मिज़री को या उसकी ट्रेजडी को या उसकी यू नो अंडर प्रिवलेज होने yeah. को नो आपको यकीन कुछ सस्टेनेंस के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं हाँ लेकिन आ, मुझे बस गाड़ी चाहिए और कोई वो गाड़ी नहीं चाहिए जो करोड़ों रुपए की होगी मुझे घर चाहिए ठीक साफ सुथरा घर चाहिए और उतने पैसे होने भी चाहिए आई एम जस्ट सेइंग जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड आपने mm. सेट किया है बट या मतलब एटलीस्ट आई सेट माय ओन स्टैंडर्ड्स दैट्स व्हाट आई एम सेइंग माय स्टैंडर्ड इज नॉट लाइक दैट आई वॉन्ट टू बी लाइक अ हॉलीवुड स्टार और आई वॉन्ट टू बी लाइक अ यू नो लाइक फलाना एक्टर वो दो स्टैंडर्ड्स नीड टू गो अवे बट कुछ बेसिक सस्टेनेंस फाइनेंशियल उसी से आती है इंडिपेंडेंस आई एग्री क्योंकि ये एक्सपेंसिव मीडियम है mm. आपको इसके लिए छोटे से छोटे काम के लिए भी कुछ ऐसे अज्जा चाहिए होते हैं जो पैसा मांगते हैं mm. आपको शूटिंग की जगह चाहिए आपको कैमरा चाहिए, mm. चाहिए आपको लाइटें चाहिए आपको टेक्नीशियंस चाहिए, चाहिए, चाहिए आपको एक्टर्स चाहिए चाहे नए हैं पुराने हैं आपको वक्त चाहिए आपको टेक्नोलॉजी पोस्ट प्रोडक्शन के लिए चाहिए सो इट डज रिक्वायर मतलब जिंदगी तमाशा वॉज ओनली पॉसिबल दैट आई डन सम गुड सम बैड सम रियली बैड सम वेरी गुड टेलीविजन यू नो इट ऑल दैट मनी वो मैं नहीं बना सकता hmm. था क्योंकि मुझे पता था कि वो कोई और नहीं फाइनांस करेगा सो उसके लिए वो पैसा चाहिए था वो बगैर पैसे के नहीं बननी थी लाइक वाइज विद कमलीफकोर्स इज ए लॉन्ट्रीब्यूशन विच वॉज मेड बाई द डिस्ट्रीब्यूटर्स इन एडवांस बट जो उसका मेजर वही था वो भी अब अब वो जो जिंदगी तमाशा के अलावा कुछ रेनी डे टाइप चीज़ रखी हुई थी वो भी अब सब खैर आपको, मैंने कहा कि मैं कल को मर जाऊं, तो मैं क्या छोड़ के जाना चाहता हूँ वो दो प्लॉट या दो फिल्में फिल्म <laughs> तो वो दो, दो फिल्में um, अगर ट्रू सेंस में देखा जाए तो वो तो तब वहाँ होता है जब जनरेशन आ रही हों लेकिन इंडस्ट्री हमारे यहाँ इतनी पुरानी नहीं है लेकिन फिर भी वो लोग जिनकी फैमिलीज ऑलरेडी बिलोंग कर रही हूँ जैसे आप भी शामिल हैं आपके फादर भी तो बहुत फेस करना पड़ता है हमारे टॉपिक भी ये बहुत होता है हम भी इंटरव्यूज़ में बहुत बात करते हैं लेकिन फिर मैं आपको देखती हूँ लुक एट यू नो व टैलेंटेड पर्सन वी हैव यू नो आई मीन इट विल बी हम बहुत बड़ी कमी होगी हमारे यहाँ हम बहुत इंडस्ट्रीज होगी इंडस्ट्री के साथ अगर आप नहीं होते तो कहाँ आपको क्या लगता है इसका बैलेंस हम कैसे कर सकते हैं इस इशू को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं मेरे जहन में एक ऑडिशन का ख्याल आता है आप आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ देखिए इतनी बात होती है Accessibility wise, so, Rabbi, I feel things have changed. Okay. okay. मतलब कैमराग है, okay. करते है, है, you know? okay. है. हैं चले थोड़ी कम है लेकिन हाँ, पहले से बहुत बेहतर है बेतर है बेहतर पहले गुण से गुण बहुत बेहतर है तो पहले। एक तो एक वो इशू जी है तो जी मतलब जी। अब वही बात कि मैं आज से कि 20 साल पहले की बात करूं पर 20 क्या 22 साल पहले जब मैंने काम शुरू किया था ऑफ कोर्स हमें नहीं पता होता था कि किसी ईमेल एड्रेस पे भी किसी को आप अपना कोई ब्लैंक ई भी कोई कभी डाल देता होल्ड ई मेल सो वो भी कभी डाल सकते हैं आप और उन चीज़ों के चांसेस बन सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम पीपल विल फाइंड यू लिंक एंड ऑल ऑफ दैट वो सब थोड़ा बेहतर हो गया पहले से Uh, जहाँ तक नेपोटिज्म की बात है उसके भी दो पहलू हैं देखिए एक पहलू तो ये है कि अगर डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है हमें बहुत कम एतराज़ होता है इस बात पे या कोई आर्म्ड फोर्सेस में है और उनके बच्चे आर्म फोर्सेस में जाते हैं तो इट इज़ इवन लाइक ओ ये तो एक लेगेसी है जो ऑनर हो रही है सो आई डू फील कि इस प्रोफेशन में हाँ लेकिन ये कोई फ़र्ज़ नहीं करार दिया जा सकता कि अब्बा या अम्मा एक्टर हैं तो अब बेटा और बेटी भी एक्टिंग ही करेंगे ये कोई वो नहीं हो सकता रास्ता कदरे आसान हो सकता है आपके लिए आई विल बी ऑनेस्ट क्योंकि वही कि मैं अपने सर नेम की वजह से ऐसे कह रहा हूँ हम अगर चार नए लड़के ग्रामे में कास्ट होते थे तो मेरा नाम सबसे ऊपर उसे डालते थे कि मेरा सर नेम फमिलियर था राइट और मेरा तारुफ ये बन जाता था हाँ ये नया लड़का है ये उस कॉलेज से उस कॉलेज से ये इरफान खूसट का बेटा है बट ये इतनी रूथलेस लाइन ऑफ वर्क है और ये इतना रूथलेस चीज़ है ये कैमरा आपको एक अपर्चुनिटी मिल जाएगा आपको दो मिल जाएंगे और आजकल के ज़माने में मतलब लोग तो खच्चे उड़ा सकते हैं ना आपके सो इम्तान फिर भी आपको ही पास करना है अब्बा आपकी जगह आके एक्टिंग नहीं कर सकेंगे नहीं। मेरे अब्बा मेरी जगह पे खड़े होकर काम नहीं कर सकते यू you नो know, तो मुझे अपना काम खुद ही करना है लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचें कि हाँ किसी को पुश ज़्यादा मिल रहा है या उनको लाइमलाइट ज़्यादा मिल रही है ऐसी चीज़ें होती हैं और मैं इससे इख्तलाफ़ करता हूँ प्रिंसिपली मगर ये वही कुछ ऐसे वो नेसेसरी टाइप में जिनको मे ख्याल हम अभी तक अभी तक हम ठीक नहीं कर पाए नो बट इफ यू लुक एट द बिगेस्ट स्टार्स दैट वी हैव राइट नाउ से कितने हैं जिनकी uh, मतलब लाइक फवाद माहराबा इकरा यासर यमुना जैती सज्जल राइट मतलब इनमें से कौन है जो मत बट बटन देर इज एन टेक दैट अवे फ्रॉम हिम यू नो वाई शुड इट बिकम लाइक अन नेसेसरी बैगेज वो है बट श्योर इफ़ देर इज़ एन एक्स वाई जी वू इज़ नॉट टैलेंटेड इन ट्रस्ट में उसको एक दो चांसेज मिल जाएंगे तीसरे चांस नहीं मिलेगा आपको अगर आप ठीक नहीं हैं अगर आप अच्छे नहीं हैं हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि एक नए बंदे को अगर सपोर्टिंग रोल से शुरू करना है तो किसी आपको शायद लीड मिल जाए पहली दफ़ा ये वाली चीज़ें बिल्कुल हो सकती हैं बट मैं अगर अपने आ, काम के हवाले से बात करूँ मुझे नए एक्टर्स नए लोग बहुत एक्साइट करते हैं मुझे लगता है वो मेरी बका के लिए बहुत ज़रूरी है yeah. कि मैं अब थोड़ा पुराना होना अब शुरू हो गया हूँ तो नए लोग आके yeah. अपनी एनर्जी बीच में ऐड करें आई लव वर्किंग विद न्यू एक्टर्स आई मीन फॉर एग्जांपल कमली में वी हैव न्यू हीरो उससे मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है yeah. कोई मेरे पुखे चाचे का किसी का बेटा नहीं है ना मेरा दोस्त है वी मेड ओपन कॉल्स फॉर ऑडिशन वी हैड थ्री बॉयज़ और उनमें से ये एक बॉयज़ में था आखिरी स्टेशन में मेरे पास बेनतहा नए लोग थे ज़िंदगी तमाशा में मैं लीड एक्टर I just knew him through a friend. He was not even like a very dear friend. Now he's yeah. a very dear friend. Iman Suleiman. She started yeah. with us and I didn't know her from anywhere. Ali Qureshi, So this is just my work. But mm -hmm. uh, otherwise we um, have the mm -hmm. if you know, if video, they're not going to be to do that. Um, I'm if you're yeah, not going to Which true. is great. There's nothing wrong with that. Now we have so many ways to find people. You know. जब बस ये लगता है कि जहाँ जो आप कह रहे हैं वो अपनी जगह उन सब की है लेकिन एक इंसान की तीन साल दो साल लग सकते हैं किसी को एक महीने में मिल सकता है कभी कभी मुझे लगता है मैं सोचती हूँ ऑडिशन में mm. अगर रेगुलर बेसिस पे होना शुरू होता है तो उससे बहुत हद तक ये मसला yeah. हल हो सकेगा या एटलीस्ट ये कम्प्लेंट जो बहुत से लोगों के yeah. में, yeah. उनको उनको वो देखिए उसमें फिर उसमें भी ना कि इंडस्ट्री इंडस्ट्री हम ना एक एक वी यूज इट लिटिल लिबरली आई फील द टर्म बिकॉज इंडस्ट्री के लिए तो फिर बहुत सी उसके सब यूनिट्स को बड़ा स्पेशलाइज तरीके से काम करने की जरूरत है कास्टिंग इज अ आपने बहुत सही बात बोली आपने एक्चुअली मुझे वो डायरेक्शन दे दिया जो मैंने शायद आगे भी अपने इंटरव्यू कि कास्टिंग का जो हमारा प्रोसेस है हमें उसको ज्यादा प्रोफेशनली ये नहीं ये वो दो रोल है नहीं कास्टिंग का एक थॉट प्रोसेस हमें एज एन इंडस्ट्री चेंज करना नहीं और आप देखिए मैं कास्टिंग uh, डायरेक्टर जो है पूरी दुनिया में वो एक बहुत इम्पोर्टेंट क्रेडिट yes, है yes. वो स्पेशलिस्ट होते हैं उस काम के नहीं, नहीं तो आपके यहाँ अभी तक मतलब कोई दो एक properly professional talent agencies भी हैं वन talent agencies वो जगह होती है पे हैं जहाँ पर आप अपनी शो रील बनाते हैं और ऑडिशन की जहाँ तक बात है ऑडिशन किरदार के लिए दिया जाता है और ऑडिशन एंटनी होपकिस को भी देना पड़ता है बिल्कुल और अगर मैं आपको ये बताऊँ कि लोग मुझे कहते हैं आपके पसंदीदा अदाकार आप उनको रिपीट करते हैं उसके एक जब आप तो पहले या बहन का मुझे लादें दूसरी सानिया सेद तो मैं सानिया सेत के साथ काम करना छोड़ दूँगा लेकिन मैं सानिया को मैं बात बदतमीजी कहने लगा थोड़ी सी लेकिन लेकर सानिया सईद को भी ऑडिशन देना पड़ता है किरदार के लिए एंड सानिया सईद माइंड भी नहीं करती सानिया सईद बिल्कुल माइंड नहीं करती नहीं क्यों ऑडिशन किस लिए देना पड़ता है किसी देखने के लिए कि यू श्योर श्योर एम आई ये मेरे दिमाग में लग रहा है कि वी कैन मेक दिस हैपन बट कोई एक्टर ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसकी इंस्टेंट रेंज इतनी है कि वो कोई भी किरदार कर लेगा उसको वक्त ज्यादा दरकार हो सकता है कई दफ़ा वो किरदार आपकी रेंज से बाहर भी हो सकता है एंड देयर इज नो शेम अबाउट इट इवन सो दैट मीन आई फील जो काम का थोड़ा सा तरीका उसको ज़रा साफ करने की ज़रूरत है लेकिन सिर्फ प्रोडक्शन हाउसेज़ का ये काम नहीं हो सकता उनके और बहुत काम होते हैं सो टैलेंट हाउसेज टैलेंट एजेंसीज टैलेंट मैनेजमेंट के जो कंपनीज़ या जो भी इदारे हैं वो और बनने चाहिए और उनका तरीक़ेकार बड़ा वो और अभी भी उसमें गड़बड़ क्या होती है वो जो इदारे बने हुए हैं वो ज़्यादा किस चीज़ के लिए बने हुए इश्हारों के लिए और मॉडलिंग के लिए अदाकारी के लिए अभी भी बहुत कम है राइट अभी जब हम भी मंगवाते हैं अभी मैंने एक सीरीज तूबा सिद्दीकी ने जो लिखी उसमें हमारे पास है मतलब वो तकरीबन नया इसलिए है बच्चा कि उसने उससे पहले कोई सो किया हुआ था बट उसकी जो आई वो मॉडलिंग रील आई मेरे पास रीलोन वही तस्वीरें होती हैं सफ़ेद बैकड्रॉप के आगे मेकअप यहाँ से जो ज्वलाएं निकली भी होती है और लड़कियों के बाल बड़े अच्छे से वो हुए हुए होते हैं सो एक्टर्स रील्स आर वेरी डिफरेंट यू नो एक्टर्स रील्स आर सपोज्ड टू बी विदाउट मेकअप बाय द वे फॉर स्टार्टर्स धुल मुंह के साथ होती है वो सो देन यू नो कि इस चेहरे के साथ क्या-क्या किया क्या जा सकता Interesting. है यू नो सो दोस थिंग्स नीड टू परहैप्स कम इन टू प्रैक्टिस ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं कि आप माशाल्लाह से टाइम्स दो किए एंड होपफुली आगे भी बहुत सी करते रहेंगे मुझे एक शिकवा होता है फिल्म मेकर से हमारे यहाँ प्रोडक्शन हाउसेस से हमारे यहाँ फिल्म्स को प्रमोट करने में शायद थोड़ा सा हमें प्रोसेस चेंज करना चाहिए अगर हम बॉलीवुड को देखें इतने अरसे पहले उनके गाने आना शुरू जाते हैं उस पर हम सब डांस कर रहे हैं बातें हो रही हैं हम तो लास्ट मिनट तक करते हैं अभी रिसेंटली भी आपने शेयर किया कि थोड़ा कॉन्टेंट इतना ज़्यादा शायद नहीं शेयर करना चाहिए बी को भी थोड़ा सा वो आउटा तो उसी पर मैं बात करना चाह रही थी कि बिकॉज़ यू आर इन दिस फील्ड कि डोंट यू थिंक अगर सही तरीके से हम उसको जो चीज़ें बिहाइंड द सीन भी हैं जो गाने भी हैं उनको करें विदाउट रिवीलिंग द ट्रू स्टोरी विदाउट रिवीलिंग द मेन प्लॉट तो ये हमारे लिए फ़ायदा मंद नहीं होगा ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जहाँ मुझे लगता है कि फिल्म प्रमोशन में मार खा रही हैं बिल्कुल आप अगर दो महीने पहले आपका एक डांस नंबर आना शुरू हो जाए जिस पर लोग शादियों पर डांस कर रहे हैं और अब तो म्यूजिक म्यूज़िकतना इम्प्रूव हो गया हमारा यू नो और फिर उस जैसे अभी एक फिल्म आ रही है बॉलीवुड की मैं उसका नाम नहीं लूंगी बट right. उसका एक गाना देखें मुझे इतना आई वांट टू वॉच दैट दैट मूवी ओनली बिकॉज ऑफ सॉन्ग आई एक और इंटरेस्टिंग बात हम लोग कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है बॉलीवुड जैसी फिल्म इस वक्त यूट्यूब पर जब मैं ड्रामा देख रही हूँ उससे पहले उस गाने का ऐड right. चल रहा है दे डू दे हम सोचते हैं कि यार ये तो बॉलीवुड क्या उनको जरूरत है अगर वो डिजिटल पर यूट्यूब पर ऐड चला रहे हैं तो दैट मीन्स कि मार्केट कितनी चेंज हो रही है बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप बिकॉज पूरी दुनिया में जो आपका प्रमोशन का बजट होता है वो कभी कभी फिल्म का वन थर्ड होता है wow. यानी जितने बजट की फिल्म बनी है उसका वन थर्ड आपको प्रमोशन पे लगाना पड़ता है hmm. आजकल के ज़माने में जहाँ पे इतना शोर और इतना एक मतलब आ, हर वक्त आपको कुछ ना कुछ एक्साइट करे yeah. उसमें आपको अपनी विजिबिलिटी भी देनी पड़ती है हम उसमें भी अंडर इवॉल्व हैं hmm. क्योंकि मैं सिर्फ अभी कमली को लेके खास तौर पर इस बोझ के नीचे मैं दब चुका हूँ बिकॉज आई जस्ट फील इट शुड नॉट बी माई जॉब

आपके दीगर कामों तक वो वाव पता नहीं क्यों मुझे लगता है आई आई मीन फील शुड नॉट थिंक इज डूइंग फैबुलस जॉब विद इट बट आई एम जस्ट सेइंग कि जब आप सोचना शुरू करते हैं इस चीज़ के बारे में तो अब यूट्यूब पे कहाँ पेड एड लगाना yeah. है इंस्टाग्राम uh, की किस चीज़ को बूस्ट देनी है ऑल ऑफ दिस इज़ लाइक सो मच वर्क मैं कमली का म्यूजिक आई मीन आई फील कि मतलब फिल्म तो चलें अब लोग देखेंगे तो बताएंगे

ये तो मुझे मतलब वही कह रहे हैं मुझे नॉलेज नहीं था ना उसका कि अब वही उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के भी अब तरीके हैं एंड बट अभी क्या होता है कि अभी जैसे आप एक काम फॉर मैं मैंने किया कि अच्छा जी ये इसको आपने पता नहीं हमने ईद के फ़ौरन बाद डिजिटली डिस्ट्रीब्यूट किया सार ऑन स्पॉटिफाई एंड हेर एंड देर अब उसमें भी दस आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं मुझे डिजिटल का भी नया नया इनकलाब आया ना फिर हर बंदा साइंसदान होता है वो कहता है तुमने डेट ये नहीं चूज़ करनी थी oh. वीकेंड पे लगाना था उस दिन ये करना था फलाने पे करना था अभी स्पॉटिफाई पे पहले नहीं फिर यू नो आई एम लाइक आई डोंट वांट टू डील विद दिस लाइक ये कोई और कर दे और वाकई अब तो मुझे इस दफ़ा तो ये था मैंने कहा मैं जेब में झाड़ रहा हूँ जितने भी पैसे आई वांट टू थ्रो मनी एट द प्रॉब्लम आई डोंट वांट टू डील विद दिस इज मेकिंग मी गो क्रेजी एंड And I need to focus on other things. और वही की ये कोई एक स्टैंडर्ड एक, मेन्यू एक जो हमने सोच लिया कि हर फिल्म की प्रमोशन इसी तरीके से होगी mm -hmm. कि आपको मॉल भी जाना है आपको यहाँ भी जाना है आपको यूनिवर्सिटी में भी जाना है लाइक फॉर मन टू फॉर एग्जाम्पल आई डोंट टू लाइक साउंड फर्स्ट वो टेक फिल्म प्रमोशंस टू यूनिवर्सिटीज़ बट दैट वॉज अ फिल्म दैट यू कुड टेक टू यू नो लाइक बट देन ऑल्सो वी मार्क्ट फिल्म इंस्टीट्यूट आर्ट स्कूल के जो उसकी एक ऑडियंस बन, बन सकती थी राइट बट आई नो के मतलब uh,

<laughs> <laughs> नहीं नहीं, uh. so yeah but it is, it is also a territory where i feel we need specialists mm -hmm. and we cannot rely on way mm -hmm. uh, production house Right. I was with Phoebe's company with the the PR. I, yeah, it yeah. went smooth. Like mm -hmm. all our PR stuff was super yeah. smooth. You Let's know. Um, and but it's it's refreshing to know. But I still know. that अभी उसके अलावा बहुत सी और चीजें हैं जिसके लिए मेरे पास लोग मौजूद नहीं हैं. Inshallah next time. Insha Allah. Insha Allah. Complete pe aatein. Complete ka basic inspiration kaise thi? Because I was talking बात हो रही थी. उन्होंने कहा आपने उनको approach You wanted her to write this story. तो ये inspiration कहाँ से? It's a short film that mm -hmm. I saw. दैट है राइटेंट शॉर्ट फिल्म मेहरबानो की फिल्म थी मेहरबानो द एक्टर ओके तो ये मेहरबानो की शॉर्ट फिल्म थी और जब मैंने देखी तो अब जो उसकी शॉर्ट फिल्म से हमारे वो लिखते लिखते में सब कुछ ही बदल गया लेकिन उसकी वो जो कोई सोल में कुछ था ना वो मेरे अंदर कहीं वो पंद्रह बीस मिनट की थी मुझे याद है और वो कहीं कुछ रह गया उसमें से एंड आई स्टेड विद मी एंड आई डिट नो वट टू डू विद इट लाइक यू नो एंड आई वही जब उसने मुझे दिखाई ला के उसने तब आई थिंक उस ग्रेजुएशन होने वाली थी तो वो बड़ी खुशी खुशी प्राउडली आई क्योंकि एक वो भी जो बहुत से मेरे मेटोफॉरिकल जो बच्चे हैं सारे जो मेरे सामने यू नोट जस्ट ग्रोन एंड सीन दम कम टू दिस प्रोफेशन एंड नाउ ब्लासम लवली ह्यूमन बींग्स तो मैं बड़ा खुश हुआ बड़ा मैंने उसके साथ उसको दाद दी एंड देन आई देट स्टोरी इज नॉट लिविंग मी Like that character is not leaving me, mm. so that's when the journey started. Mm. And uh, kafi mm. and I was like, I can't offer you a lot of money, but I want like officially to take the rights to your. Okay. So and oh, mm. and then I wrote like a an initial treatment of sorts, you know, okay. very initial. Ha, very initial and old school. character नहीं नहीं यही सब कैरेक्टर्स थे कैरेक्टर्स थे स्ट्रक्चर था एक okay. बहुत वेग सा बहुत वेग सा और वो मैं बिल्कुल उसी तरह पुराने ज़माने की तरह लिखता हूँ इंडेक्स कार्ड्स के ऊपर तो वो इंडेक्स कार्ड्स पे मैंने सारा उसको प्रिपेयर जब yeah. कर लिया मैं लाइक नो दिस 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 इज़ फाइन दिस इज एन आइडिया व्हिच इज़ व्हिच इज़ ग्रोन इनटू समथिंग बट आई नीड अ स्क्रीन ना मेरे में उतना अब सब्र रहा है <laughs> ना वो फोकस रहा है ना थॉट नो ये इसको एक और पर्सपेक्टिव अभी चाहिए एंड व्हेन फातिमा केम इनटू इंट्रू और फातमा ने उसमें से बहुत सी चीज़ें बैक बट वही के वो भी एक जर्नी मजे की होती है कोलेब्रेशन की डिफरेंट आइडियाजो आई uh, फील कि वो एक बैलेंस कि वो एक लड़की है yeah. मैंने जो सोचा मैंने अपने एक आदमी के दिमाग से बहुत चीज़ें सोची yeah. उसने अपने जहन से कुछ सोचा दैन वी फाउंड देट बैलेंस एंड पहला ड्राफ्ट ही रोटिन अंग्रेज़ी कि सर मैं अंग्रेजी में सोचती हूँ और लिखती हूँ तो मैंने कहा लिखो फिर अंग्रेजी में ही लिखो तो पहला डायलॉग भी अंग्रेज़ी wow. में था एंड दैन दे वॉज अ होल जर्नी विद द डायलाग बज आई नो ये ट्रांसलेट तो नहीं सिर्फ mm -hmm. होगा वील हैव टू वर्क ऑन इट एंड देट वी कलेक्टिवली डेट दैन आई थिंक हफ्ता डेढ़ हफ्ते हम फिर बैठ के सिर्फ

वो कहते हैं जब हम लिखना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक एक्टर उन्होंने देखा बॉडी ऑफ वर्क तो उन्होंने लगता है और फिर वो उसके मुताबिक लिखना शुरू जाते हैं फिर तो जहन में होता है कि सभा करेंगे तो तो मैं, अच्छा, मैं स्क्रिप्ट के, 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 तो, के लेवल के ऊपर तो आई विल बी ऑनेस्ट स्क्रिप्ट के लेवल के ऊपर तो बल्कि आई अवॉइड यूजुअली एवॉडली आप में में कि आप हां क्योंकि उससे सिर्फ क्या होता है कि फिर आप लिखते हुए बंधना शुरू हो, hmm. हो जाते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं स्क्रिप्ट लिखते हुए प्रोडक्शन के बारे में सोचना शुरू कर दूं फिर मैं सोचूंगा ये सीन कितनी देर में शूट होगा या इसके लिए कितना पैसा लगेगा यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ लाइकवाइज बट देन वंस हिना वाज फ्लैश्ड आउट ऑफ कोर्स यू नो लाइक कमर्स Yeah. range her mm -hmm. command her star superstar ness her being the incredible uh, person that okay. she is she doesn't need to prove that anymore i feel you know इतना चैलेंज था उनको जरा उनकी एनर्जी को कंट्रोल करना बिकॉज़ शी इज लाइक स्पेशली जब परफॉर्म करती है तो वो तो कहती है बस हट जाओ यू नो तो उनको उनको इस बिकॉज़ ना?

जितना मतलब सभा के अंदर एनर्जी है जिस hmm. uh, बागी में हमने देखा hmm. हमने सभा को uh, हिंदी मीडियम में देखा सो यू नो दिस लाइक एक स्पंक और hmm. एक एनर्जेटिक किस्म का वो जो सो आई फील कि कभी कभी फिर आप उस एक्टर के साथ एसोसिएट करते हैं कि ये ऐसा ही है वो एक्टर है hmm. आप उसको टाइम दें आप उसको प्रोसेस का टाइम दें तो वो अपनी एक और आपको डायमेंशन hmm. भी निकाल के दिखा hmm. सकता है विच इन द केस ऑफ सबा ऑफकोर्स आई मीन वी बोथ वर्कड ऑन इट वी आर वेरी अवेयर ऑफ इट this is a very like mm -hmm. ye bo energy level is 10 2 you know because she is yeah. another human yeah. Yeah. she is not Saba at all mm -hmm. so, so uh, that also uh, I mean what you do in front of camera and on the shooting day is not the real game the real game is before that yes. you know mm -hmm. so they were long sessions and you were just you know not talk about the script but just talk mm -hmm. about Know, life and things yes. and humans and you know, like and how to now take it from page to, yeah. um, you know, first to her, her human body and mind and then to screen. Uh, but it was a wonderful journey. Yeah. And tha <laughs> She was aware of it and she would keep saying a shoot your She said, "Maine se acting kabi nahi pehle." So, <laughs> oh, तो तो yeah, yeah. you know, वो होता था, शी वो आ, आ, एक 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 सीन के अंदर मोमेंटम में mm. कभी कभी तो तो कमांड है वो बहुत कम फॉल्टर करती हैं लेकिन कभी जो हो जाता ना लाइक नो थोड़ा सा उसको भी mm. वो भी निकाल दें बीच में से मैं क्या करूँ मैं मर जाऊँ मुझे कुछ भी नहीं करना मुझे कुछ भी नहीं करना

अमलताज के साथ मेरी बहुत एसोसिएशन है मतलब वही होता है आपको नहीं पता होता कि आप कौन सी चीज़ कहाँ से चुरा के किधर अपनी कौन सी कहानी में इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे मैं बताऊँ हेना मेरी बहन का नाम है okay. मेरी बड़ी बहन है yeah. अब दिस हेना इज़ नॉट दैट हेना बट yeah. जैसे बस मुझे yeah. नाम अच्छा लगता हैना है। बहुत अच्छा लगता, yeah. हेना बहुत अच्छा लगता yeah. है और हिना से जो एसोसिएशन है रंग और खुशबू और वो भी एक पौधा है दरख्त है yes, अमलताज भी एक दरख्त है अमलताज hmm. मुझे बचपन में हमारे घर के बाहर एक छोटा सा वैसे ग्रीन पैच सा था उसके ऊपर अमलताज का पेड़ लगा हुआ था दादी के घर के बाहर तो वो मुझे बचपन से बड़ा फैसिनेट करता था तो उसके फ्लफी फूल हर वक्त गिरते रहते थे गंद मचता रहता था फिर इज अ वेरी वियड स्टोरी आई डोंट हाउ इट्स कनेक्टेड टू दिस अब्बा ने थोड़ा लाहौर से बाहर कुछ जगह ली बहुत अर्सा पहले तो वहाँ पे उन्होंने अपना जब घर बनाया तो वहाँ पे पेड़ लगे हुए थे तो मैंने कहा था भाई पेड़ नहीं कटवाएंगे यहाँ से कोई भी पेड़ कुछ को दीमक भी लगी कुछ खराब भी थे तो उन्होंने कहा कुछ को तो निकलवाना पड़ेगा तो एक दरमियान में वहाँ पर कुछ सूखा हुआ बिल्कुल पेड़ था और तो वो अब्बा ने कहीं माली को बोला कि इसको निकाल दें मैंने कहा अभी रहने दें इसको मे बी यू नो वो अभी पूरी तरह सूखा नहीं मैंने कहा और जिस दिन ये इसको निकलवाएंगे ना तो अमल ताज का पेड़ लगवाएंगे यहाँ पे

राइट right? uh, yeah. तो वो अमलताज के साथ जो उस कैरेक्टर की कुछ ईथोस हैं वो मुझे लगा कि कहीं से इधर उधर से बस मिलती जुलती गई एंड सोशल वो एक सोचा समझा hmm. ये एक्शन था Hmm. जी, हम इसके थ्रू करेंगे उसके लिए इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सो वही चीजें जो मैं आपको बोल रहा था कि शुरू में जैसे बिगर चैलेंज फॉर माई प्रोड्यूसर जंगलों में शूटिंग हो रही है अब कहीं खरगोश लेके जा रहे हैं कहीं पर मोर लेके जा रहे हैं बिल्ली के बच्चे चाहिए वही ये वो वाली चीज़ें हैं जो आई थिंक आपका जो भी प्रोसेस हो रहा होता है आप तो उसके तहत ऑफ़कोर्स मेरे दिमाग में कोई कनेक्शन होगा या फातिमा के जहन में जो भी कनेक्शन था बट तो बचा देखने वाले अपने कनेक्शन ख़ुद भी बनाते हैं राइट बहुत सा सब टेक्स्ट ऐसा है जो मुझे भी अभी जैसा ये हैा वाली मैं बात आपको बता रहा हूँ कि मुझे उस दिन हिट हुई जब किसी ने मुझे कहा वो तो हीरो का नाम भी अम है और लड़की का नाम भी हैना है ये तो दोनों दरख्त होते हैं बिल्कुल yeah. भूल गया कि मैंने मेरे दिमाग में तो है ना yeah. बहन है मेरी मतलब yeah. मैंने तो उसका नाम uh, रख लिया बीच में सो इट इट्स वेरी स्ट्रेंज आई थिंक ये भी हुई एवोल्यूशन में बहुत सी चीज़ें आप सबकॉन्शियसली uh, अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं और कुछ चीज़ें आप कॉन्शियसली करते हैं सो इट जस्ट टाइम इन इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर आई वॉज अपने कोट में मैं लगा के गया <laughs> और कल भी किस तरह वो मिला कल हम वहाँ पे जब तैयार हो रहे थे सैलॉन पे तो निमरा बुच्चा आई और निमरा को मैंने इसी बोला

मैंने जो मूवी देखी है मुझे लगता है कि आपने जो चार पांच हमारी सोसाइटी के इश्यूज़ हैं mm. उनको उठाया है उनको बहुत इंटेलिजेंटली <laughs> बहुत खूबसूरत तरीके से रैपअप किया और एग्जीक्यूट किया है mm. अगर विदाउट आई डोंट थिंक आई एम आईम गिंग स्पॉयलर वुमेन एम्पावरमेंट यू ब्रॉड डिज़ायर इन टू इट नॉट जस्ट के जाके जॉब करे वो करे बट एक औरत जब एग्जिस्ट करती है तो उसकी डिफरेंट टाइप की डिज़ाइर्स भी हो सकती है इट्स ओके टू ओन देम देन यू टॉक्ट अबाउट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वुमेन विद इन अ हाउस होता हम इन लॉज आ जाते हैं औरतों को कैसे वो करते हैं फिर बच्चा होना ना होना मैरिज में क्या एवोल्यूशन हो रही है ये हो गया या ये था और आपने उसको रैपिंग ऐसे की आई वॉन्ट टू नो दैट एंड रिलीजन भी है एंड यूसो ब्राट इतना इंपॉर्टेंट रिलीजन कि किस तरह हम उसको कि, किस किस वक्त हम चाहें तो कैसे यूज़ करते हैं अपने मकसद के लिए एंड फिर ये भी और जब हम पुश करें तो वी कैन ऑल सी द वर्स्ट साइड ऑफ अस जो भी ना का एक एक्शन होता आई थिंक इट्स ऑल लाइक यू नो वे अ जर्नी के अंदर आपको नहीं पता होता कौन सी चीज कब बीच में किस uh, सता पे किसके साथ लेकिन, क्या लेकिन जब आप लिख रहे थे ऑफ कोर्स आई मीन तो ये ये सोचने समझने का काम <laughs> का है फिल्में बनाना तो कोशिश करते हैं हम सोच बिकॉज़ टू मी इट्स नॉट जस्ट अबाउट ऑफ कोर्स नो बट देखिए वही आई आई फाइंड इट टू बी एन इंटेलिजेंट एंड द थिंग इज कि जो दो ढाई घंटे पे मुहिद कोई भी चीज़ होगी ऑडियो विजुअल कह लीजिए लिखा हुआ कुछ उसकी एक तो एक लॉग लाइन नहीं हो सकती उसका कोई एक थीम नहीं हो सकता दूसरा मैं तो यौनरा की कैद में भी नहीं पढ़ना चाहता मुझे तो क्यों hmm. मेरे पे ये एक बोझ हो कि अब आप ये नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते बीच में फिल्म है उसका मिजाज है उसमें आप जो डिफरेंट ट्रैक्स हैं आप देखिए उन ट्रैक्स के अंदर कैमरा लैंग्वेज भी बदलेगी yeah. उसमें और बहुत कुछ बदलता है mm -hmm. रंग बदलते mm -hmm. हैं फातमा इज़ द कलरिस्ट ऑफ द फिल्म आल्सो उसने जितनी डिटेल में कल मैं बड़ा दुखी भी हुआ हुआ था बिकॉज आई थिंक वो प्रोजेक्टर का कुछ इशू था इट वाज़ नॉट एट द राइट ब्राइटनेस सो डिफरेंट सेटिंग्स के उसने डिफरेंट कलर टोन्स हमने really. रखे हुए हैं हाउ इज यूज के यू नो सो आई एम सींग दैट ऑल ऑफ दैट डिटेल इट गोज़ इन टू इट बट येस आई न्यू कि शुरू से दैट वाई बिन कॉलिंग इट अ फीमेल सेंट्रिक फिल्म अ वमेन सेंट्रिक फिल्म इट इज़ बट ऑल्सो वो कि बिफोर दैट वुमन इज़ अूमन सो इट्स अबाउट ह्यूम राइट बट हमारे यहाँ खास तौर पर चूँकि वो बाइंड्री इतना ज़्यादा mm -hmm. हमने अपनी मतलब की जड़ों में बुरी तरह से उसको फंसा mm -hmm. दिया हुआ mm -hmm. mm -hmm. है एंड mm -hmm. आई ग्रो अप अराउंड अ lot ऑफ वेमेन पाँच भुक्या मेरी छः खालाएँ मेरी बहने मेरी कज़न्स यू नो सो वही कि बस वो मुझे लगता है मैंने इतनी बातें सुनी देखी हुई हैं कि मुझे ना तो वही कहीं रिसाइकिल हो जाती हैं कुछ चीज़ें सो आई डोंट नो कहीं मैं मैं कभी खुद बाद में देखता हूँ उसका डैम ये पता तो नहीं चल जाएगा मेरी खाला को या मेरी कज़न को या अम्मी को तो नहीं पता होगा कि मैंने उससे ये वो बीच में कर दिया है राइट सो वो दीज आर अगेन आई थिंक इन सम वे इनडायरेक्टली सही अलॉट ऑफ दीज थिंग्स ऑल ऑफ एस हैिव कई दफा वो भी होता है कि वो चीज़ आप पे भी गुजरी होती है और आपको सिर्फ ये सोचना है मैं भी तो इंसान हूँ तो मुझे इतना ही काफी है मतलब मैं समझता कि मुझे इतनी कैपेसिटी है कि मैं औरत की तरह भी सोच सकता हूँ क्योंकि तो वो कैपेसिटी आप में होनी चाहिए आती so है और तो जब आप एक किरदार तख्लीक कर रहे हैं तो एम्पथी तो बुनियादी चीज़ है ना उसके लिए तो ये जो जो भी इश्यूज कह लीजिए टॉपिक्स जो बीच में है बट बात फिर वहीं आती है कि आप उनको फिर दिस शुंड बी ऑन द नोज बस मेरा वहाँ प्रॉब्लम आता है कि ये कहानी है ये तकरीर नहीं है मेरी yeah. ये मेरा कोई uh, मतलब बयान नहीं है yeah. और मैं कुछ चीज़ें इसमें किरदारों के फ्लॉज जो होते हैं फॉर एग्जांपल, वो भी ओन करने पड़ते हैं आपको क्योंकि आम इंसानों के भी फ्लॉज होते हैं सो दीज आर ऑल्सो वेरी ब्यूटिफली फ्लॉड कैरेक्टर्स वो अजीब हरकतें करते हैं आप Very उनको माफ़ नहीं कर सकते कुछ yeah. हरकतों के लिए yeah. उनकी सो yeah. so, ये जितनी भी चीज़ें थी डेफिनेटली वो उसके जर्नी का हिस्सा थे yeah. सोच समझ के सब किया गया <laughs> और लिखा गया yeah. और फिर आई थिंक जब आपको ये तीन खवीन सानिया सईद निमरा बुच्चा और सबा कमर मिल जाए तो फिर वो जो कागज़ पे था वो उसको उन्होंने तो कहीं और ही पहुंचा दिया उसके बाद मतलब तो जो डिटेल और नुआंस है उसकी वो तो सब उनका अपना भी बहुत कमाल है बीच में अमेज़े, अमेज़े, और जो इस बहादुरी से उन्होंने क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें मैंने पुश की हैं बीच में मुझे पता लाइक like, में तो कि मतलब तो बहुत ज़्यादा पुश करना मुझे जो कि थी ज़िंदगी तमाशा पे भी वो भी भी वो एक बहुत डेलिकेटली बनी भी फिल्म है उसमें भी ऐसा रिलीजन तो और हमारा तो इतना मतलब डिटेल में मतलब आपको पानी पीने के तरीके से लेकर आपको इबादत तक आपके जो माशरती निजाम है वो सब इतना आपके हिस्सा है कल मैं प्रेमेर पे जब रहा था इट क्यूटेस्ट थिंग दर हैपेंड मेरे अब्बा ने मुझे एक वॉइस नोट भेजा मैंने सोचा पता नहीं कोई अर्जेंट चीज़ है अब्बा बहुत कम वॉइस नोट hmm. वो वॉइस नोट था वो उन्होंने मुझे आयत बताई सात hmm. दफ़ा अंदर जाने से पहले और फूकना है और अगर फूकते हुए शर्म आ रही हो तो बस सांस छोड़ देना तो <laughs> so मैं यू नोट आई मीन सो आई लाइक दिस इज लाइक तो रिलीजन तो आपकी मतलब उठने बैठने हर चीज़ में है सो जब भी आप उस पर बात करते हैं या उसके बारे में उसको हिस्सा अपनी कहानी का बनाते हैं तो वो एक नेचुरल चीज़ है वो अनैचुरल कैसे हो सकता है सो उस चीज़ को भी सिर्फ ये सोच लेना कि ओ अब हम रिलीजन की बात करें नो रिलीजन तो आपकी जिंदगी का हिस्सा है आई ऑलवेज फील के वो चूंकि बचपन मेरा वही जो मेरे साथ जो भी मतलब एक जर्नी रही है रिलीजन के साथ भी कि मतलब आप आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे समझते हैं कि फेथ रिलीजन ये चीज़ें आपको नहीं समझ आती हैं एकदम तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं वो जो सानिया कुछ कर रही हैं उसमें वो बिल्कुल उस तरह का एक्सपीरियंस मुझे है कि वो जो Uh, उसी तरह yes. के बच्चों में बैठा right. हुआ जो आपको बहुत चीजों पे सोचने पे मजबूर करेगी और ऑटोमेटिकली होगा हम लोग ऑफिस में सुबह से डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग आते हैं हम वो पॉइंट ये था इसका <laughs> मतलब ये था एक्चुअली लाइक एंड इट्स And it's very interesting conversations that we are having. We are having fun. I'm uh, glad. These I'm glad. I'm glad. Thank you so much for. Thank your you, Rabia. I know you have to rush, so yes. I'm going to go now. airport. Airport. I'm going to airport. To... <laughs> Thank you so much, and we wish you. you all the best. Thank you so much.